हाई एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा इनफैक्ट मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ ठीक है आई मेक श्योर कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँ मैं रिप्लाई भी मैक्सिमम कर देता हूँ एंड कभी भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो आई एक्नोलेज दैम बाई गिविंग यू अ हार्ट ओवर देयर और अ लाइक ओवर देयर ठीक है लाइक का पता नहीं चलता कि किसने कराए तो आई यूजअली गिव अ हार्ट ओवर देर ठीक है कुछ तो कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो आई जेनुनली गिव देम अ हार्ट कुछ कमेंट्स ठीक ठीक होते हैं तो uh, मैं एटलीस्ट एक्नॉलेज कर देता हूँ हाँ जी मैंने स्टूडेंट uh, का कमेंट पढ़ लिया है ठीक है मैं अपना यूट्यूब खुद ही हैंडल करता हूँ तो यू कैन कीप ड्रॉपिंग योर कमेंट्स योर क्वेश्चन योर डाउट्स ओवर देयर एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स uh, आए हैं कुछ क्वेश्चन आए हैं तो आई वुड लाइक टू टेक दैम अप इन दिस वीडियो शिवा का कहना है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट इफ़ वी डू अ स्मॉल मिस्टेक इन द फर्स्ट स्टेप ठीक है इट सिल्फ एंड द रिमेनिंग वर करेक्ट बट फाइनल आंसर इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक ठीक है विल वी गेट मार्क्स फॉर दैट टोटल इनकम क्वेश्चन बिकॉज फर्स्ट स्टेप मिस्टेक विल कंटिन्यू आई अंडरस्टैंड ठीक है बिल्कुल आपको स्टेप मार्किंग मिलती है ठीक है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल टोटल इनकम का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको सैलरी भी निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी भी निकालनी है पी जी बी पी भी निकालना है और डिडक्शन वगैरह भी देनी है और लेट से अगर आपने सैलरी ठीक किया हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से पी भी ठीक किया रिडक्शंस ठीक दी उस जिसकी वजह से बट आपकी टोटल इनकम गलत आ रही है तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे द आंसर इज़ यस हंड्रेड परसेंट आपको मार्क्स मिलेंगे जितना उसका वेटेज था हाउस प्रॉपर्टी का उतना नहीं मिल पाएगा बट बाकी जो रिमेनिंग आपने स्टेप्स बिल्कुल ठीक किए हैं उसके मार्क्स मिलेंगे फॉर एक्जाम्पल अगर किसी एक ही हेड का क्वेश्चन लेट से सैलरी का क्वेश्चन है जहाँ पर आपने बाकी सारी चीज़ें ठीक की थी परकेजिट वगैरह ठीक निकाले थे बट लेट्स से एच आपने गलत कर दिया तो आपके उससे रिलेटेड ही मार्क्स डिडक्ट होते हैं ठीक है बाकी की चीज़ों के आपको मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं स्टेप मार्किंग मिलती है बिल्कुल चिंता ना करें अच्छे से प्रेजेंट करें अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से लिख कर आए सेकेंड है पूजा का क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि सर मैं डी एंड आईडीटी के लास्ट राउंड रिविज़न क्वेश्चन को तीन बार प्रैक्टिस करके जाऊँगी तो मिनिमम पास मार्क्स ला सकती हूँ क्या सर प्लीज़ सर रिप्लाई पास हो सकती हूँ क्या मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक आई नो पूजा कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा और मैं बता दूं कि मैक्सिमम uh, स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कभी भी ना देखिए हमारी 100 परसेंट तैयारी कभी नहीं हो पाती कुछ बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा मैं देखो हमेशा ये बोलता हूँ कि कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जब आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आपको कंसिस्टेंटली यू हैव टू वर्क हार्ड प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन uh, और उसके बाद आप अपने रिविजन कीजिए इस तरह की लास्ट राउंड रिविज़न जैसी वीडियोज़ मेरी या किसी भी टीचर की इट आज़ इट इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल ठीक है इनफैक्ट ये आपके एंड रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं अब इस कैटेगरी में भी ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरी तैयारी नहीं है एक चैप्टर छूटा हुआ दो है दो चैप्टर छूटे हुए हैं थर्टी परसेंट कोर्स छूटा हुआ है फोर्टी परसेंट कोर्स छूटा हुआ है आई टेल यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही होता है और जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी इसी कैटेगरी में था कि मेरा थर्टी फोर्टी परसेंट कोर्स अगर छूटा हुआ है इस समय ना अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम मत होने दें आपका काम है इस समय कि बस आप चलते रहिए आगे आप करते रहिए आगे ठीक है कहीं पर रुकिए मत सोचिए मत जहाँ पर आपने सोचना शुरू कर दिया ना मतलब जो नॉर्मली नेचुरली आ जाता है अरे चिंता होने लगती है कि मैंने ये नहीं किया मैंने वो नहीं किया क्या होगा क्या नहीं होगा इट्स ओके okay, ये सब चीज़ होती है बट इसको साथ में इसको थोड़ा सा इग्नोर करते चलिए साइड में इसको साइड में रखिए और आपका काम है इस समय पढ़ना तो जहाँ से भी आप जितना भी पढ़ सकें देखिए ये जो दिन होते हैं ना एग्ज़ाम से दो तीन दिन पहले वाले और एग्ज़ाम्स के जो आपको एक दिन का गैप मिलता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेज होते हैं इनफैक्ट यही दिन डिसाइड करते हैं कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेगा या पॉजिटिव नहीं रहेगा तो कभी भी ना देखिए जीतता वही है जो एक्चुअली भागता है तो अगर आपने किसी रेस में पार्ट ही नहीं लिया तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे ना क्योंकि यहाँ पर इस समय ना स्टूडेंट्स कुछ सोचते हैं कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो एक काम करता हूँ कि मैं ये अटैम्प्ट ड्रॉप कर देता हूँ और मैं फिर छः महीने बाद बहुत अच्छी तैयारी से दूंगा वो अटैम्प्ट बट आई टेल यू कि कभी वो छः महीने आते नहीं हैं आपकी जितनी भी तैयारी है अपने एफर्ट्स ना इस समय पूरे दीजिए अपने एफ़र्ट्स को 200 परसेंट अपने एफर्ट्स लगा दीजिएगा रिजल्ट जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो दूसरी बात है अभी इस समय काम है आपका पढ़ाई करना इस समय आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए टो तो टू तो आंसर दिस क्वेश्चन सर मैंने ज़्यादा अभी कुछ किया नहीं है क्या मैं लास्ट रिविजन क्वेश्चन कर सकती हूँ बिल्कुल कीजिए आप दो तीन बार कीजिए क्योंकि एक्चुअली ये लास्ट राउंड रिविजन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जहाँ पर मैं मैक्सिमम कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है तो प्लीज़ घबराइए मत आप यही अगर आप काफ़ी बार करेंगे ना तीन चार बार तो आपके काफ़ी कंसेप्ट आधे से ज़्यादा चैप्टर के कंसेप्ट रिवाइज़ हो जाएंगे तो इस पॉइंट में तो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल करिए क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम में ना थोड़े से रूल्स चेंज हो जाते हैं नॉर्मली तो हम सब टीचर्स यही कहते हैं कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो एक्चुअली होने चाहिए ठीक है आप अपने कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग हो जो आपके करियर में आगे काम आए बट जब एग्ज़ाम्स पास करने की बारी आती है ना तो फिर उस समय तो बिल्कुल युद्ध वाली स्थिति हो जाती है तो इस समय तो जो हाथ में आया वो करना होता है आपको तो बिल्कुल करते रहिएगा घबराना नहीं है आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है नेक्स्ट है नमित का नमित कहते है, सर अगर मैं आपके दिख... अच्छा सेम है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ ठीक है सेम वो था Uh, कुलदीप कहते हैं कि सर मेक अ क्लास फॉर आईटीसी आल्सो सी मैंने आईटीसी सी क्लास बना दी है ठीक है मैंने uh, कल सुब, कल बना दी थी तो आई बिलीव वो आ गई होगी आपके पास ठीक है आने आई नहीं है तो आ जाएगी नेक्स्ट कमेंट है निहार अग्रवाल का थैंक यू सर द वे यू मेक थिंग्स लुक सो इजी इज़ अनवेबल अनबिलीवेबल बेस्ट प्रोफेसर फॉर इंटर सी ए टेक्सेशन आई वॉज नॉट फुली प्रिपेयर फॉर पेपर फॉर इनकम टैक्स पार्ट बट आफ्टर वॉचिंग योर शॉर्ट एंड क्रिस्ट रिविजन वीडियोज़ इट मेक्स माई कॉन्फिडेंस टच द स्काई एंड आई एम प्रटी श्योर दैट आई विल डू वेल इन माई पेपर आफ्टर दिस थैंक यू सो मच निहार ठीक है आप पढ़ते रहिए ठीक है आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पास होंगे ठीक है बस आपको पढ़ते रहना है मतलब ये मेरा बिल्कुल मंत्रा होता है कि रुकी मत पढ़ते रहिएगा थैंक यू सो मच मौर्य का कहना है थैंक यू सर सर मुझे एक डाउट है आई में हाँ जी अगर एक कोई लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट इनकम होती है तो उसने जो इंटरेस्ट पे किया हो है लोन पर तो वो अलाउ होगा या नहीं होगा हाँ जी बिल्कुल अलाउ होता है आई में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर आपने लोन लिया और आपने इन्वेस्टमेंट करी और इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है तो उस पर डिडक्शन्स भी अलाउड होती है अब डिपेंड करता है वो इन्वेस्टमेंट आपने इन् की कहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो शेयर्स में की है या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में की है तो इंटरेस्ट अलाउड होता है बट रिस्ट्रिक्टेड रहता है ट्वेंटी परसेंट ऑफ सच इनकम तक ठीक है आपको प्रोविजन आई बिलीव ये याद है ठीक है तो ट्वेंटी परसेंट तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा बट अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट किए किसी डिवेंचर्स में या कहीं और जहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है तो फिर पूरा इंटरेस्ट ही जो आपका एक्सपेंस है वो अलाउड होता है तो आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है अनमोल का सर योर वीडियोज़ आर हेल्पिंग वेरी मच प्लीज़ अपलोड हाइब्रिड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड आल्सो ऑफ सेक्शन वन वन फाइव बी वन वन फाइव बी मतलब न्यू स्कीम प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट सर प्लीज़ अपलोड फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ़ नॉर्मल एंड वन वन फाइव बी ए सी कम्पेरिजन ठीक है क्वेश्चन है कि सर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जहाँ पर हम नॉर्मल स्कीम से ठीक है जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम थी और वन वन फाइव बी ए सी यानी कि न्यू स्कीम से टैक्स अगर निकालना हो तो uh, एक क्वेश्चन जहाँ पर हम कंपेयर करके देख सकें कि कहाँ पर टैक्स ज़्यादा या कम आता है तो उसका एक क्वेश्चन अगर मैं फुल फ्लेज करा पाऊँगा तो बिल्कुल मैं अनमोल आई वेल श्योरली ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ठीक है तो अभी के लिए फिलहाल मैं इतने क्वेश्चन लेता हूँ यू कैन कीप ऑन ड्रॉपिंग मी कमेंट्स या क्वेश्चन तो आई विल ट्राई टू आंसर दम थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट